बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अफसरों के पेंस कस दिए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बाहरी जनपदों से आने वाले यात्रियों की 100% सैंपलिंग की जाए तथा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जाए। डीएम ने BRT, CRT तथा ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समिति को और जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यात्रियों द्वारा गलत नंबर तथा गलत पता दिए जाने को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि मोबाइल नंबर लेते वक्त मिस कॉल के जरिए नंबर की पुष्टि अवश्य करें। जिलाधिकारी ने सभी कार्मिकों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानते हुए वैक्सीन लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में आगामी 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा करते हुए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा, CMO डॉ. BD जोशी, प्रभारी CDO KN तिवारी सहित सभी उपजिलाधिकारी मौजूद थे। जो है कोविड केसेस जनपद में बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए लगातार हमारा प्रयास यही है कि एक तो हमारे जो संक्रमण है उसको किस प्रकार से कंट्रोल करें और साथ साथ में जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी हम लोग एक्सेलरेट करें। तो इन दोनों दिशाओं में जो है हमारे प्रयास चल रहे हैं। ऑलरेडी हमारा जो वैक्सीनेशन है 45 प्लस का वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा है। मोर देन 85% हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और 1 मई से जो हमारे 18 से जो 45 उम्र के बीच जो व्यक्ति हैं उनके भी वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए भी हमने पूरी प्लानिंग कर ली है और 1 मई से हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है वैक्सीनेशन को मास एक बड़े भव्य स्केल में उसको वैक्सीनेशन ड्राइव करने के लिए। और ये जो केसेस हमारे बढ़ रहे हैं इसके लिए भी लगातार हमारी जो स्ट्रेटेजी है यही है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग टेस्टिंग करें, सैम्पलिंग करें, जिससे हम लोग उनको जल्दी हमें ये पता लग जाएगा किसी व्यक्ति में अगर कोविड पॉजिटिव है तो हमें जल्दी उसका पता लगे और उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाना है वो ट्रीटमेंट उसको जल्दी मिल सके। और इसमें लगातार इसलिए हमारी जो सैम्पलिंग हमने जो है 800 कल जो हमारी सैम्पलिंग थी वो 800 हमने सैम्पलिंग करी है, तो लगातार हम सैम्पलिंग बढ़ा रहे हैं। पहले जो 300-400 थी उसको हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है कुछ ही दिनों में, जिस वजह से केसेस भी हमारे बढ़ गए हैं और कल हमारे जैसे आप बता रहे हैं कि 76 केसेस आए हैं। उसी के मॉनिटरिंग के लिए ही आज हमने ये बैठक आज हमने रखी थी जिसमें हमने BRTs और CRTs के जो नोडल हैं हमारे उनको हमने बुलाया था और जो संबंधित विभाग है उनको हमने बुलाया था और हमने यही डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो जो BRT जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल में ग्राम निगरानी समिति है वो इंश्योर करे कि जो भी हमारे जिनकी सैम्पलिंग की जा रही है वो घर से बाहर ना निकले जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो वो भी फिर भी वो इंश्योर करे जो उसका होम आइसोलेशन के दौरान वो कहीं किसी से किसी के संपर्क में ना आए, वो घर में ही रहे और जो ट्रीटमेंट उसको दिया गया है वो ट्रीटमेंट को पूरा करे। इसके अलावा ग्राम निगरानी समिति को हमने ये भी डायरेक्शंस BRT CRT के माध्यम से जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोविड लक्षण अगर पाया जाता है तो तुरंत उनकी टेस्टिंग करवाई जाए और जिससे हमें पता लग सके कि वो जो लक्षण है वो कोविड के कारण तो नहीं है, अगर कोविड है तो फिर उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।